दिन गुजरे, महीने गुजरे, देखते ही देखते साल भी गुजर गया। साल 2013 को हम अलविदा कह रहे हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं साल 2014 का। मैं हूं प्रवीण और आज होगी ढेर सारी मस्ती, मनोरंजन और करते हैं अपने कार्यक्रम का शानदार आगाज। मैं हूं अर्चना। अच्छा, जब आप मस्ती की बात करती हैं तो ये मस्ती के मायने क्या है? मस्ती मतलब म्यूजिक और खूब सारा धमाल। खूब सारा धमाल और म्यूजिक के साथ साथ में हमारी खूबसूरती ये है कि हम दूसरों की संस्कृति को अपनाते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी संस्कृति को बरकरार भी रखते हैं। प्रवीण, कहीं तुम फ्यूजन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मस्ती की फ्यूजन के साथ। तो फ्यूजन के रंग हमने देखे प्रवीण, लेकिन हमारी लोक कलाओं के रंग भी कुछ कम नहीं है। हम दर्शकों को लेकर चलते हैं बिहार और दिखाते हैं वहाँ का लोक नाट्य जट जटे। इस लोक नाट्य की खूबसूरती ये है, ये दुनिया के हर पति की कहानी को बयां करता है। परदेश से पति जब मनपसंद तोहफा नहीं लाता है तो जटिन कैसे जट की खातिरदारी करती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है हमारी संस्कृति के रंग। यहाँ पर आपने देखा बिहार के प्यार का एक रंग, यानी जट जटिन के प्यार का रंग। आइए आपको लिए चलते हैं पंजाब और दिखाते हैं प्यार का एक और रंग। बिल्कुल, ले चलते हैं वडाली बंधुओं के पास, देखते हैं उनके पास प्यार का कौन सा रंग है। तो वडाली बंधुओं के सुरों ने तो बिल्कुल समा बांध दिया है प्रवीण, और क्योंकि गीत संगीत का दौर हमने शुरू कर दिया है तो गीत संगीत की बात कवियों के बिना अधूरी है, क्योंकि गीत को लिखने वाले, रचना करने वाले कवि ही होते हैं। जी हाँ, और आजकल के कवि क्या लिख रहे हैं इस पर भी गौर करना होगा, किस तरह की रचनाएं हमारे सामने आ रही है। बिल्कुल, और कविताओं के साथ अगर हास्य जुड़ जाए तो फिर मजा ही आ जाता है। क्योंकि मस्ती के रंग है, हम नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं, तो आइए इन कवियों की रचनाओं को सुने हास्य के रंग के साथ। और भगवान ना करे कि महेंद्र अजनबी साहब को ये जो भूलने की परेशानी हुई या बीमारी हुई, ये किसी को भी हो। प्रवीण, भूलने से मुझे याद आया कि हम भी कुछ भूल रहे हैं। हमने बिहार की बात कर ली, पंजाब की बात कर ली, उत्तर प्रदेश को हम भूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक लुप्त प्राय विधा है बिरहा। और बिरहा से ये मत समझिए कि विरह से इसका कोई लेना देना है, ये तो संजोग श्रृंगार का एक बेहतरीन रंग है। तो आइए दर्शकों को दिखाते हैं बिरहा का रंग। प्रवीण, विलुप्त प्राय विधाओं की बात हो रही है तो तुम्हें याद होगा बचपन में हम कितना कठपुतलियां देखा करते थे। क्या यादें ताजा की हैं आपने भी। कठपुतली का नाच देखते देखते कभी कभी इतनी देर हो जाया करती थी कि घर पर पिटाई तक हो जाती थी, लेकिन अब तो ढूंढे से कठपुतली कहीं नहीं मिलती। तो क्या आज कठपुतलियों का नृत्य देखने को मिलेगा हमें? जी हाँ, अपने दर्शकों के लिए नए साल का इस्तकबाल करते हैं इस कठपुतली नृत्य के साथ। वाकई मजा आ गया कठपुतली नृत्य देखकर, क्योंकि अब तो कठपुतली ढूंढे से भी कहीं नहीं। बिल्कुल प्रवीण, मजा तो बहुत आया, लेकिन ये दौर युवाओं का है और युवा आजकल पसंद करते हैं वेस्टर्न डांस। तो ऐसा नहीं है कि नए साल की इस मस्ती में हमारे पास आज के युवाओं के लिए मस्ती का ये तड़का नहीं। तो चलिए आपको छोड़कर जाते हैं वेस्टर्न डांस की मस्ती के साथ और आप हमें दीजिए इजाजत। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। आने वाले जो कल हैं, खुशियों से भरे वो पल हैं, मिलके हम करें स्वागत नव वर्ष का। आओ ये गीत सुनाएं, कल को प्यारा बनाएं, हम तुम सब मिलके ये गाएं। हैप्पी न्यू